हाय एवरीवन, सो 2023 को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, कुछ ही मंथ रह गए हैं और उसके अंदर भी राहु केतु का ट्रांजिट आ रहा है, तो सबकी लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट एंड चेंज आने वाला है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है वैशाली, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर और आज के हमारे पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या मेजर शिफ्ट और चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा है देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पर तीन कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको जो कार्ड अच्छा लगता है यू कैन चूज दैट कार्ड। उनका जो टाइम है कि कौन सी रीडिंग कब से शुरू होगी वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको पूरी रीडिंग देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हाय माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एनर्जी क्लीन करेंगे, तो जस्ट क्लोज योर आईज। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। सो बचे हुए टाइम में क्या मेजर चेंजेस एंड शिफ्ट पाइल नंबर वन की लाइफ में आने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वी हैव द कार्ड ऑफ वाओ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। किसी चीज़ का आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने वाला है। मटीरियल हार्वेस्ट, वाओ दिस इज वंडरफुल। 3 and 9 नंबर आए हैं। इमोशनल लॉस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज़ दिखा रहे हैं। देखो, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड कुछ लोगों के लिए एक नॉर्मल रिवॉर्ड दिखा सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रमोशन होने वाला है, जॉब चेंज होने वाली है आने वाले समय में, जहां पर आपको मटेरियली भी चीज़ें मिलने वाली है। मींस कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, या कहीं फंसा हुआ अगर पैसा है तो वह पैसा आने वाला है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह बढ़ के आने वाला है। समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो रिकॉग्निशन रिवॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे संचित कर्म दिखा रहा है, आपका 9th हाउस दिखा रहा है, आपका लक दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, उसका कुछ अच्छा फल आपको इस आने वाले समय के अंदर मिलने वाला है 2023 के खत्म होने से पहले। ओके, एंड काफ़ी चांसेस हैं कि आपको, अगर आप बहुत टाइम से कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, तो कहीं से आपको मदद मिल सकती है। और अगेन वही चीज़ है कि पूर्व जन्म में आपने किसी को हेल्प किया है, आपने किसी को सपोर्ट किया है, और इस जन्म में वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। विद दिस कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस, लिसन, आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन। कुछ लोगों से ये वाली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ मैच करेगी, कुछ लोगों से नहीं करेगी। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, एक दिन बात होती है 4 दिन लड़ाई होती है, बातचीत बहुत ज़्यादा, एक मैं कहूँगी कि अच्छे नोट पे नहीं हो रही है चीज़ें और अच्छे नोट पे ख़त्म भी नहीं हो रही है। मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट पर्सन, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस रिश्ते को बचा के रहें, उस रिश्ते में रहे। बट वी हैव दिस कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस जो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा है। पहली चीज़ तो कि यहाँ पर यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, आप किसी पर्सन से आगे मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको सडनली यूनिवर्स ये दिखाना शुरू करेगी कि ये कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। और मे बी हो सकता है कि वो पर्सन ही आपसे बोले कि वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, ओके, दैट कैन हैपन। इमोशनल लॉस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा रहा है कि मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, आप बहुत ओवरली अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन हाँ, इन द नियर फ्यूचर यू विल लर्न दिस थिंग थ्रू हार्ड वे, एक हार्ड तरीके से आप ये लाइफ में चीज़ सीखने वाले हैं। बट दैट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान से उम्मीद ना लगाएं, अपने ऊपर भी विश्वास रखें और अपनी चीज़ों को खुद से भी हैंडल करें, स्पेशली अपने इमोशंस को, ओके? तो ये तीन कार्ड्स बहुत मेजरली मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर वन के लिए बचे हुए टाइम पे क्या आने वाला है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लोग। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वांड्स, वाओ, एस ऑफ वांड्स बात करता है न्यू बिगनिंग, घूमने जा रहे हो। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान कोई नया कुजीन या फिर कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करने जा रहा है, एक्सप्लोर करने जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। यस, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कुछ नया खाने जा रहे हो, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अच्छा लग रहा है जस्ट यू नो बाय थिंकिंग ऑफ दिस एंड थ्रू दिस कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोग
मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट यू नो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी हॉट, वट एवर, वेरी हैंडसम, एंड आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग आउट, आप लोगों से मिल रहे हो डेटिंग एप्स के थ्रू, लोगों से मिलने जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे साल आपने ऐसा कुछ नहीं किया है एंड यू शुड इन्जॉय योर लाइफ, आपको भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. तो आप मुझे ना रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके, और एक एडवेंचरस चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि रिस्क ले रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ को. नेगेटिव वे में मुझे ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस. आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ का, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसकी गाइडेंस के लिए आप हमेशा अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे. जिस भी भगवान, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं, हम हर एक इंसान उनके साथ अपना कनेक्शन बना के रखता है, राइट. जब भी हम परेशान होते हैं वी ऑलवेज ब्लेम आ गॉड कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, और बहुत हमारी कॉन्वर्सेशन उनके साथ चलती है जहाँ से हमें गाइडेंस भी मिलती है. आपके केस में भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जस्ट इग्नोर माय नेल पेंट. सो आपके केस में मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने आने वाले टाइम के जो भी डिसीजंस है ना, वो अपनी इंट्यूशन के और अपने दिल के बेसिस पे लेने वाले हो कि मेरा अंदर से इस चीज़ को करने का मन कर रहा है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में मुझे यू नो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, तो आप वो सब कुछ करने वाले हो आने वाले समय में. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. वाओ, यू हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट, इमोशनल लॉस के नीचे ही आया इन द व्हील कार्ड. देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी लाइफ में ना कोई भी दशा, कोई भी ट्रांजिट आता है तो हमेशा ना एक चीज़ तो लाइफ में बहुत अच्छी चलेगी और एक चीज़ लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी. ये हमेशा होता है, इट हैपन्स ऑल द टाइम. सो व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड कि ड्यूरिंग दिस टाइम समवेयर आपका यहाँ पे एक इमोशनली बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड ट्रांजिशन आपके अंदर आ रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि हर्मिट एंड द व्हील, 9 एंड नंबर 10, दोनों मुझे दिखाता है कि आप एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो जहाँ पर ऐसा समय आएगा कि आप बहुत सोचोगे साल में जो कुछ भी आपने किया है ना उस बारे में बहुत सोचोगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई. हो सकता है किसी के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ हो, किसी से आपने बात करनी बंद कर दी है, कुछ रिश्तों में आपकी नोकझोंक हुई है, तो वहां पर आप ये बैठ के, क्योंकि ये ना रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिखा रहा है कि आप रिलेशनशिप के बारे में बैठ के सोच विचार कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, किस वजह से हुआ. एंड ये आपका एक कार्मिक साइकिल है जो कि मुझे केतु की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है. प्लीज रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड. वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर. यस, आप इस चीज़ पर, जो भी आपकी इमोशंस है इस पर आपको विजय मिलेगी. आप अपने आप को यू नो बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से ढालने वाले हो, जो मुझे एम्परर का कार्ड दिखा रहा है कि आपने जो कुछ भी डिसीजंस लिए आप उसकी तो सबसे पहले आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ करी है, क्यों करी है, अपने लिए करी है, अपनी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें मैंने करी है क्योंकि मुझे लाइफ में ग्रो होना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यू माइट ऑल्सो फील अग्रेसिव ड्यूरिंग द टाइम आने वाले समय में, या तो आप अभी बहुत अग्रेसिव फील कर रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, बॉडी में आपको ऐसा लग रहा है कि पित्त ज़्यादा बन रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है, एंड मे बी यू कैन ऑल्सो फेस दिस इशू आने वाले समय में बिकॉज एम्परर इज गिविंग मी दिस स्ट्रांग एनर्जी ऑफ मार्स. बट मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी ये जो भी इमोशनल लॉसेज है ना, जो भी ये प्रॉब्लम्स है, इस पर आप खुद से आगे बढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव तरीके से आप अपने जीवन में आगे मूव कर रहे हो. लेट मी सी विद गाइडेंस कार्ड्स. प्लीज स्पिरिट गाइड्स. गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले समय के लिए. थैंक यू सो मच. एंड पाइल नंबर 1, मैंने एक फ्री सेल्फ लव का कोर्स स्टार्ट किया है. सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. कोर्स 29 सितंबर से स्टार्ट होगा, बट अगर अच्छा होगा कि आप अभी ही ग्रुप ज्वाइन कर लें. एंड लिंक जो है ग्रुप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इट विल बी अ 5-day कोर्स ऑफ सेल्फ लव. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है. आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी, अगेन रेड कलर. सो मुझे
अगेन सेम चीज दिखाई दे रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अभी चीजें नहीं बन रही है, डोंट वरी अबाउट इट. यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ साइकिल जो आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट बना रही है, जिस वजह से आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यू नो विक्ट्री मिलने वाली है. आने वाले 3 महीने में स्पेशली आप कुछ ना कुछ ऐसा मेजर अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हो जो खुद से आप लोगे, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे भी लोगे और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी लोगे, और उससे आपको आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों इंक्लूडेड है. मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर पिक कार्ड रीडिंग्स. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. Opportunity, wow, you guys are really lucky pile number one. अगर मैं कार्ड नहीं भी निकालती ना तो भी आता, और देखो अबंडेंस का कार्ड दोबारा आया. बहुत लकी हो. जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना कुछ करने के लिए, सोच विचार करो, प्रैक्टिकली इंट्यूशन से दोनों तरीके से सोचो, आपका काम बनेगा ही बनेगा. एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हाई पाइल नंबर 2. सो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग एंड जस्ट इग्नोर माई नेल पेंट. सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एनर्जी क्लियर. सो जस्ट क्लोज योर आइज. ओके, चलिए इस कार्ड को रख रही हूं मैं यहाँ पर साइड में. एंड लेट मी जस्ट यू नो यूज अनदर डेक फॉर यू गाइज. लेट मी सी कि ओवरऑल क्या आने वाला है, क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंज आने वाले हैं. लेट मी पुल फ्यू कार्ड्स. फिर करते हैं आपकी रीडिंग. ओम नंदर. क्या आने वाला है इनके लाइफ में. वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इमोशनल लॉस, विक्ट्री एंड सक्सेस, स्टैंड योर ग्राउंड. वाओ. ओके, सो आई फील दैट पाइल नंबर 2, आप बहुत समय से किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है आप उस चीज को, अपने ड्रीम को इस साल के अंदर अचीव नहीं कर पाए हो, जिस वजह से आप हो सकता है काफी निराश हो. जस्ट अ सेकेंड. या नाउ इट्स बैलेंस्ड. या सो आई वाज सेइंग कि यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, या आपको वो चीज प्राप्त नहीं हुई है इस साल के अंदर, जिस वजह से आप परेशान हो. हो सकता है आप अपने घर में कुछ फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान हो. सकता है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ गई है, घर में कोई बीमार है, कुछ है, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हार्डवर्क करना पड़ रहा है. आप में से काफी लोग हो सकता है पैसों को लेके भी बहुत परेशान है, एंड शायद आपकी वजह से घर के कुछ फैमिली मेंबर्स परेशान है, ये चीज भी हो सकती है. क्योंकि एक फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ये दिख रहा है कि कोई इंसान बहुत टाइम से किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, कुछ सपना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा. काम अटक रहा है, बन नहीं रहे हैं काम, काम अटक अटक के हो रहे हैं. लेट मी सी प्लीज यूनिवर्स, क्या मेजर शिफ्ट और क्या मेजर चेंज आने वाला है. पहली बात तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि बी परसिस्टेंट. अब परसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि माना कि लाइफ में इस टाइम बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा लग रहा है कि शनि और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले कर रहे हैं. शनि प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, डिलेज कर रहे हैं, और मंगल आपसे ये कह रहे हैं कि आपको खड़े रहना है, आपको अपनी जगह से हटना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है. प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इस टाइम चीजें बहुत टफ चल रही हैं, बट आपको उस चीज से हटना नहीं है. लेट मी सी, आपको मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहूंगी. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. क्या आने वाला है आने वाले समय में, इस साल को खत्म होने से पहले, 2023 को खत्म होने से पहले इन लोगों की लाइफ में. वाओ, आपकी लाइफ में ना, अगर आप लोग इमोशनली बहुत अपसेट है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ आप थोड़ा सा भी इमोशनली अच्छा महसूस कर पाओ, बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है. काफी चांसेस हैं ऑनलाइन वो आपको पर्सन मिले. आई एम नॉट सेइंग कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, वो अभी हम बाद में देखेंगे, वो बात की बात है. लेकिन हाँ, किसी इंसान से कुछ प्यारी मीठी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. आप पॉजिटिव होने वाले हैं लोगों को लेके लाइफ के अंदर. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. और ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स, गॉड, एंजल्स, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उन्हीं के कहने पे वो इंसान आपके जीवन में आएगा, और उस वजह से आपकी लाइफ में आपके लिए एक इमोशनली पॉजिटिविटी आने वाली है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस आने वाले हैं माता रानी इन लोगों के लिए. वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of Swords. ये कार्ड्स हिलते ही रहते हैं. ओह गॉड. ओके, वी हैव द कार्ड 7 of Pentacles. आई टोल्ड यू टू बी पेशेंट एंड बी परसिस्टेंट. 4 of Swords. क्या आने वाला है आने वाले समय में इन लोगों के लिए.
ओके टावर, वाओ। एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आप लोगों के जीवन में आने वाला है, जो मुझे टावर का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ सडनली आपकी जो किस्मत है ना उसमें एक बदलाव आएगा। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप पास की चीजों से काफी परेशान हो, अपसेट हो कि कुछ बना नहीं काम, बहुत हार्डवर्क किया या हर तरीके की आपने कोशिश करी है लेकिन फिर भी आपको रिश्ता नहीं दिखाई दिया। आई एम सीइंग दैट येस यू गाइज आर अपसेट। देखो आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो, बट मैं आपको कुछ फॉल्स होप नहीं दूंगी लेकिन जो अच्छी चीजें हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी, और वो चीज भी बताऊंगी जहां पर यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर मुझे दिखा रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, बट एट द सेम टाइम ये जो जर्नी है ना, देखो हम अपनी लाइफ में ना हमेशा तब सीखते हैं जब हम किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस खुद से गुजरे जो बहुत पेनफुल हो। ओके अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है ना तो कोई भी इंसान कभी भी हम्बल नहीं बनता। आप ये देखो कि आप अगर अपने जीवन में बहुत संघर्ष करोगे ना तब जाकर आप सामने वालों की दिक्कतों को समझोगे, तब जाकर आप डाउन टू अर्थ होते हो, अदरवाइज एक ईगो फैक्टर रहता है। आप देखोगे कि जिन लोगों को हर एक चीज लाइफ में बहुत ईजिली मिली होती है ना, ये सक्सेस बहुत ईजिली मिला होता है, वो हमेशा सामने वाले को ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो कर ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ राइट नाउ, इट इज टीचिंग यू टू बी डाउन टू अर्थ। ये चीजें आपको डाउन टू अर्थ बना रही हैं ताकि आपका जो ईगो है वो खत्म हो सके, आप वाइज मैच्योर इंसान बन सके और उस मैच्योरिटी की तरीके से आप आगे चले और बाकी लोगों को लेके भी चले। मींस कि अगर सारी दुनिया में एक ऐसे लोग हो जाएंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझे, और दूसरों का दुख दर्द हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आपके साथ वही है दैट यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इशूज एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, और उसकी वजह से आप दूसरों लोगों को भी मदद करोगे। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स जो कि मुझे दिखा रहा है कि एक इमोशनल मैच्योरिटी आने वाली है आपके जीवन में, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है। और देखो ये मत सोचो कि कुछ है नहीं, वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, पर देखो चीजें थोड़ी स्लो है, काफी चांसेस है कि ये सक्सेस आपको 2024 के अंदर मिले। ठीक है, पेशेंस आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अगर आप अभी हार मान जाओगे कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है और ना ही कुछ होगा, तो देखो वैसे भी चीजें नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस और जो मैंने कहा था परसिस्टेंट रहने की बहुत जरूरत है। प्लीज यूनिवर्स क्या आने वाला है इन लोगों की लाइफ में, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 2023 खत्म होने से पहले वी हैव द थ्री ऑफ वॉर्ड्स, आप वेट करने वाले हो, आप पेशेंटली चीजों पे वर्क करने वाले हो। या द कार्ड ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ दरवाजा बंद है लेकिन उसकी चाबी यहीं पड़ी है, लेकिन उस इंसान को ये चीज इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो उसको देखना ही नहीं चाहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लेट मी सी कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप इस चीज से बाहर आ सकते हो। एंड शायद यही रीजन है कि आप इस वीडियो तक आए ताकि आपको ये सॉल्यूशन मिल पाए कि आप इस चीज से बाहर कैसे आ सकते हो। हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में सबसे पहले तो जो चीजें ऑलरेडी हैं, बहुत सी चीजें आपके पास जीवन में ऐसी है जो बाकी लोगों के लिए के पास नहीं होती है, तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स। लेट मी सी मोर अबाउट इट। ऑनेस्टली, ऑनेस्टी का कार्ड यहां पर बात करता है कि आप एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहते हो, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, मे बी आप अपने आप को बहुत ज्यादा जज कर रहे हो चीजों को लेके एंड उस वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं जिस वजह से हम अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर सामने वाला ये इंसान काम कर रहा है इस वजह से उसको अपने जीवन में सक्सेस मिल रहा है तो हमें भी वही चीज करनी चाहिए, बट कभी कभी वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि हमारा स्किल अलग है, हमारी स्ट्रेंथ अलग है, हमारी वीकनेस अलग है। तो इंस्टेड ऑन फोकसिंग ऑन अदर पीपल कि दूसरों लोग क्या सोच रहे हैं, उसको तो लाइफ में इतना कुछ मिल रहा है हमें कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी चीजों पे फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। वाओ देखो कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, हम ब्लेसिंग का नाम लेते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड द सिक्स ऑफ कप्स। हायरोफेंट मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत विजडम गेन कर रहे हो, हो सकता है आपका एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़े, आप पूजा पाठ जो भी आप धर्म रिलीजन फॉलो करते हो उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उससे आपको पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा मिलेगी और लाइफ में क्लैरिटी भी चीजों को लेकर काफी मिलेगी, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बाहरी उलझनों में इतना ज्यादा फंस गए हो ना कि आप जो एक्चुअल में हो
जो चीजें आपके पास एक्चुअल में है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे करियर में है, जो आप जेन्युइनली अंदर से हो ना, आपने उसको देखना बंद कर दिया है। अब बहुत ज्यादा अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और यही जर्नी आपकी इस साल खत्म होने वाली है, जो कि बहुत ही वंडरफुल चीज है। बिकॉज वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें हुई है ना, उस मेमोरी से कनेक्ट कर रहे हो, और फिर आपको समझ में आ रहा है कि आप इस जान में, इस भवन में इतने टाइम से क्यों फंसे हुए हो, और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी आप मेहनत करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको और क्लैरिटी इस जगह पर, यहाँ पर मिलने वाली है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस पाइल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में लिखा है। कुछ चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत यहाँ पर है। अभी मैंने फ्री सेल्फ लव का कोर्स स्टार्ट किया है, इट्स अ ऑनलाइन कोर्स, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। और ये कोर्स जो है वो व्हाट्सएप पे हो रहा है, 29 सितंबर से ये कोर्स होगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो दोनों इंक्लूडेड हो, वैदिक रेमेडीज हो, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर पिक कार्ड रीडिंग्स। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे मैच करती हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 गिफ्ट का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। और सबसे पहले लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी, क्लोज योर आईज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो लेट मी सी कि क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आई हैव स्टार्टेड आवर सेल्फ लव कोर्स, जो कि एक फ्री कोर्स है, 5 दिन का ये कोर्स होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें पे नहीं करना है। ये कोर्स जो है ये 29 सितंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप अभी से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे ही ये कोर्स जो है वो कंडक्ट होगा, तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मिक्स्ड, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं उसी लैंग्वेज में वो कोर्स होगा। यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है इन लोगों के लिए? रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, वाओ दिस इज वंडरफुल। एक्सेलरेशन मोशन, इस कार्ड को हम यहां रख देते हैं, एक और कार्ड निकालेंगे, विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ दिस इज वंडरफुल। कुछ छुपा छुपा सा कार्ड आ रहा है, सेक्रीफाइस, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो द कार्ड्स आर गिविंग मी दिस वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन फॉर पाइल नंबर 3। आपकी लव लाइफ ना, इट डजेंट मैटर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। आई एम सीइंग फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ऑल्दो ये सेक्रीफाइस का कार्ड है, बट मुझे ये दिखा रहा है कि आप उन चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हो जो आपके लिए चीजें ठीक नहीं है। मीन्स की एक नेगेटिव थिंकिंग अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, या लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपके हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते, आपको लगता है कि वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करें। उन चीजों से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को खुद से मुक्त कर रहे हो कि नहीं, अब बहुत हो गया है, आई शुड लीव दीज पीपल बिहाइंड, क्योंकि आने वाले समय में ये मुझे और परेशान कर सकते हैं। ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, मे बी यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट योर पास्ट, पास्ट के बारे में, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एंड इन सारी चीजों को आप रिलीज करने वाले हो। क्योंकि एज यू कैन सी, यहाँ पे मुझे डार्कनेस दिखाई दे रही है, एंड ओवर हेयर आई एम सीइंग द रेनबो एंड व्हाइट लाइट एंड क्लाउड्स, इट इज गिविंग मी इंडिकेशन कमिंग आउट ऑफ अ डार्कर साइड। डार्कर साइड से बाहर आकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपको ना, आप लाइफ में एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक होप आई है, एक लाइट आई है। अब अगेन, ये आपके करियर को लेके भी हो सकता है कि करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मे बी आपने अपनी जॉब छोड़ी है, या आपको ऐसा रियलाइज हुआ है कि आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव या गलत सोचते थे। आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी फील्ड में हो, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एबिलिटीज हैं,
आपको उस चीजों की ना अंडरस्टैंडिंग आने वाले समय में होने वाली है, जो कार्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं, और आप अपने फ्यूचर के प्लान्स यहाँ पर बना रहे हो विद वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उन चीजों को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत टेंशन ले ली, बहुत स्ट्रेस ले लिया, लेट्स रिलैक्स। तो हो सकता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं, काफी पॉसिबिलिटी है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं, यू आर एंजॉइंग, यू आर हैविंग फन, यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर एक प्लान बन रहा है विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए। मीन्स कि यहाँ जो मुझे एक प्लान दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा प्लान है दैट यू आर प्लानिंग कि आपको अभी नई कोई चीज स्टार्ट करनी है, या आपने अपने कुछ नए गोल बनाए हैं उसके ऊपर आप बहुत शिद्दत से मुझे यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से और डिटेल में कि क्या ये चीजें हैं, किस बारे में यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू माता रानी, प्लीज हमें बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आने वाले समय में 2023 के अंदर। द मून, वाओ, द मून इज शोइंग मी लॉट ऑफ हीलिंग ऑफ डीप इनर इमोशंस वूंड्स। बहुत ज्यादा आपके जो पुराने वूंड्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आप हील कर रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आप बढ़ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। और ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान बहुत कंपैशनेट और काइंड बन रहा है, अपने साथ साथ दूसरों लोगों की भी मदद और हेल्प कर रहा है। फूल, वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल। पाइल नंबर 3, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो अपने बारे में। एज यू कैन सी, फूल में यहाँ पर इस गर्ल के हाथ में एक पिंक कलर का रोज है, विच इज अगेन शोइंग मी लॉट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ। फूल यहाँ पर दिखा रहा है कि ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक न्यू एडवेंचर चाहते हो, एंड अगेन विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, तो उस चीज की तरफ आप बढ़ रहे हो, उस दिशा में आप बढ़ रहे हो। We have the card of Hierophant, we have the card of Six of Cups. Some of you guys are attracting a person. आप कोई person अपनी life में, एक romantic connection अपनी life में attract कर रहे हो। कुछ लोग के लिए ये भी chances है कि अगर आप लोग already relationship में, वो relationship और अच्छा, बेहतरीन और better होने वाला है। Means कि अगर आप किसी committed relationship में हो, तो maybe इस साल के बचे हुए समय में आप शादी के बारे में planning करने वाले हो, parents से मिलने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसी you know चीजें यहाँ पर चल सकती हैं, जो ये दोनों cards मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा करियर भी देख लेते हैं, क्योंकि आई एम श्योर हर कोई यहाँ पर लव रीडिंग तो देखने नहीं आया होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, कुछ करियर के लिए अगर आप बताना चाहें माता रानी, प्लीज हमें बताइए करियर में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। करियर में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, काम की वजह से आपको लगे काम का बर्डन ज्यादा बढ़ रहा है। दैट आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स, वी हैव द एस ऑफ कॉइंस, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रही है, आप एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा कि कोई इंसान जॉब चेंज कर रहा है या जॉब बदल रहा है, ऐसा तो मुझे ये चीजें नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान उसी जॉब में है जिसमें पहले था, लेकिन उसमें ठीक है, स्टेबिलिटी है, इसलिए आप वहां पर हैं। थोड़ा सा प्रेशर एंड वर्क वहां पर ज्यादा हो सकता है, बट स्टिल यू हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वांड्स, तो न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर भी मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर चीजें ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत खराब है या बहुत यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आने वाले समय के अंदर। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। अगर आप अभी भी अपने पास्ट में डूबे हुए हैं, क्योंकि देखिए पाइल नंबर 3 यहाँ पर मून का कार्ड आया था, और मून का कार्ड जब भी आता है ना विद अदर दीज कार्ड, इट शोज मी कि एक डीप हीलिंग यहाँ पर चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं फ्यूचर स्पेशली कि आपको नहीं पता क्या होने वाला है, और वो बहुत बार हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है। हम पास्ट की चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं और उन्हीं इमोशंस में डूब के रह जाते हैं, कुछ नया जीवन में करना नहीं चाहते या पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते। हो सकता है आप लोग भी इस स्थिति में हो या इस चीज से बाहर निकल रहे हो, बट द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि अगर आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हो कि पास्ट में आपने कोई चीज करी है या ये चीज करी है, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप इससे बाहर आओ। क्योंकि देखो जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, लेकिन अगर आप इसी चीज में डूबे रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटीज आकर भी आपको दिखेगी नहीं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। राइट, प्लीज एंजल्स, आप इन्हें क्या बताना चाहती हैं थ्रू दीज कार्ड्स। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीजों का टाइम अभी सही नहीं है, और यही रीजन था कि वो चीजें अभी तक आपकी लाइफ में, जीवन में हुई नहीं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि अगेन आई डोंट नो व्हाई, बट
अगर हम करियर लव दोनों की बात करें तो अगर आप कुछ जंप चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि आपको आपकी कोई ड्रीम जॉब है कि आपको वो मिल जाए, आप रिलेशनशिप में कुछ बहुत एकदम से स्पीड में कुछ चीज चाह रहे हो, तो उस चीज में आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको गेन करने की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पास्ट की चीजों को लेट गो करो। जब तक आप उन चीजों को लेट गो नहीं करोगे तो समवेयर अगर कुछ बहुत अमेजिंग चीज होगी जो कि आने भी वाली है, उसमें अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी यू आर हीलिंग, यू आर इन टू दिस हीलिंग फेज। बट मुझे लग रहा है कि ये फेज आपका 1-1.5 महीने में खत्म होने वाला है। उसके बाद यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी जो सोच है, अब तक जो आपकी सोच बनी है लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा। और आपको लगेगा कि ये चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने सोचा ही नहीं था जो ये अब आ गया है। ये सबसे बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और डिटेल में जानने के लिए, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी टैरो मैं दोनों यूज करती हूँ विद वैदिक रेमेडीज, तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। एंड इट्स अ पेड कंसल्टेशन, ये सारी कंसल्टेशन जो पर्सनल होती है वो पेड कंसल्टेशन होती है, तो आप करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टू वॉच मोर पिक कार्ड रीडिंग्स, और रीडिंग मैच करती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।